देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। मधुबन थाना क्षेत्र के गांव में हुई रिश्ते को शमशार करने वाली घटना आज 5 माह से घटित हो रही थी। पीड़ित थाने के चक्कर लगाकर थक गई। पुलिस ने मानवीयता को तार तार कर समझौता करा दिया। बताते चले पीड़ित कक्षा 9 की छात्रा है तथा उम्र बहस 15 साल है। समझौता के बाद बलात्कारी का परिवार धमकी देने लगा। मजबूर होकर पीड़ित ने एसपी की शरण में गई। आज मधुबन थाना अध्यक्ष पीड़िता तथा बलात्कार के आरोपी सिराज उर्फ इकबाल पुत्र अमीरुद्दीन को थाने में बुलाया, लेकिन पुलिस का रवैया उपेक्षापूर्ण रही। पीड़ित की मां का कहना है कि दरोगा हमको डांटकर भगा देते हैं। हमारी नाबालिग लड़की से दर्जनों लोगों के सामने शर्मसार करने वाले सवाल कर रहे थे। दरोगा जी बुलाए थे ना? हमके ना बुलाए। तो क्या हुआ है? हम मोबाइल वाले से पूछे थे तो हम बताए हैं, से पता पूछे उनसे बताए हैं। वो लड़का गिरफ्तार होकर आया है? यस सर। बैठा है यहाँ पर? यस सर। तो क्या बोले हैं, क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी 10 बजे आना है। कल 10 बजे बुलाए हैं? यस सर। और कुछ पूछ रहे थे? यस सर। कहाँ मिले थे, कहाँ गई थी? 2 दिन हमने 2 दिन उनके साथ रहे थे। तो दरोगा जी क्या कह रहे थे आपसे? कह रहे थे कि तुम चलो भागो, तुमसे बात नहीं हुआ। तो आपकी लड़की नाबालिग है? तो हमारी लड़की नाबालिग है, हमको बोलने नहीं दे। और कह रहे थे हटो, तुमसे बात नहीं पूछ रहे हैं, हमको बोलने ही नहीं दिए। तो क्या आपको लग रहा था कि दरोगा जी क्या करेंगे? नमस्कार। कह रहे थे कि चलो तुमसे वहीं पूछ रहे हैं, मोबाइल के बारे में पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोबाइल बताएं, तो वो बोल रहे हैं कि तुम मत बताओ। मोबाइल से आपकी लड़की बात करती थी? जी। वो मोबाइल आपके पास है? हाँ, पास है। ठीक है, कर दीजिएगा। वहीं बलात्कार की शिकार नाबालिग युवती ने बताया कि दरोगा का रवैया ठीक नहीं है, उनकी बातों से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दूसरी पार्टी पैसे वाली है, कुछ भी करा सकती है। वहीं लड़की के बाप का कहना है कि दरोगा जी का रवैया एकदम ठीक नहीं है। थाने में पुलिस हम लोगों को हड़का रही थी, दबाव बना रही थी कि समझौता कर लो। एसपी के कहने के बाद भी मुकदमा नहीं लिखा गया। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।